इस वीडियो में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो कंसेप्ट डिटेल में समझा था उसका लिंक नीचे दिया गया है। कंसेप्ट अगर समझ लोगे तो ये क्वेश्चन बड़े इजी हो जाएंगे, अदरवाइज आप टाइम लगाओगे। तो वो उसी कंसेप्ट को इन डेप्थ समझने और टेस्ट करने के लिए है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज GER स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन? ग्रॉस एजुकेशन रेशो, ग्रॉस जनरल एनरोलमेंट रेट, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, ग्लोबल एजुकेशनल रेट। ये समझना है कि एजुकेशन से संबंध है लेकिन इसमें एनरोलमेंट की बात है, जो क्वांटिटी की बात है। जो बच्चे स्कूल में चले गए हैं, स्कूल तक पहुंच चुके हैं स्पेसिफिक एज ग्रुप के, तो उनकी है। दैट इज वाई ये जनरल एनरोलमेंट रेट नहीं है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो ये इसका राइट आंसर है। इसको मिटा के दोबारा बता देता हूं, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड हमारे पास, थोड़े लंबे भी होंगे क्वेश्चन। हाउ द GER इज कैलकुलेटेड? GER की गणना कैसे की जाती है? टोटल एनरोलमेंट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। अब वहां पर एक शब्द, दो शब्द समझाए थे वो आएंगे। टोटल एनरोलमेंट तो क्लियर है, टोटल एनरोलमेंट डिवाइडेड बाय रेलेवेंट पॉपुलेशन, यही वो शब्द है। लेकिन ऑप्शन सारी पढ़नी पड़ेंगी कि ऊपर टोटल आना है, जैसे रेलेवेंट पॉपुलेशन उस वीडियो में भी किया था कि एज ग्रुप की 100 लाख है, 100 लिखा मैंने, तो एनरोलमेंट हुई है हमारे पास 80 की, और इनको डिवाइड कर देना है 100 से। अब ये देखना है कि रेलेवेंट पॉपुलेशन यहाँ आना है या यहाँ आना है, ये हमें शायद याद आ गया होगा। इसको एलिजिबल पॉपुलेशन भी कहते हैं। अच्छा, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एनरोलमेंट, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। रेलेवेंट वाला ठीक है, रेलेवेंट पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल, तो इन्होंने रेलेवेंट को ऊपर रख लिया। रेलेवेंट पॉपुलेशन जो टोटल है, फॉर एग्जांपल 6 से 14 साल के बच्चे 100 लाख हैं इंडिया में मान लीजिए, तो 100 लाख यहाँ रखा और ऊपर जितने एनरोल हुए हैं 80 लाख, तो इसको गुना कर दी 100 से, तो ये राइट आंसर है हमारे पास। इसको मिटा के दोबारा बता देता हूँ, क्लियर हो जाएगा ये वाला। टोटल एनरोलमेंट डिवाइडेड बाय रेलेवेंट पॉपुलेशन, हिंदी में भी यहाँ देख सकते हैं ये बी, कुल नामांकन को संबंधित जनसंख्या से विभाजित किया जाता है। थर्ड है, व्हाट डज GER वैल्यू एक्सीड 100 इंडिकेट? अगर किसी देश या स्टेट या रीजन की वैल्यू मान लीजिए 110% आ गई, अब इंडिया की वैसे 101% ऐसे है, तो ये क्या 100 से ज्यादा आ सकती है? आंसर है यस। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है तो उसका मतलब क्या है? इट मींस अगर वो वीडियो देखी है तो बहुत इजी हो जाएगा। द एजुकेशन सिस्टम इज ओवरबर्डन्ड? नो। क्वांटिटी से रिलेटेड है। एनरोलमेंट रेट इज डिक्लाइनिंग? नो। बढ़ रहा है वो तो 100 से अधिक हो गया। द प्रपोर्शन ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट इज डिक्रीजिंग? नो। द इंक्लूजन ऑफ ओवर एज्ड एंड अंडर एज्ड स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल 6 से 14 साल के पीछे बात करके आए हैं, उनकी जो गिनती थी वो 100 थी, है ना, 100 लाख या 100 whatever, तो 100 थी, तो बाकी 6 से 14, इट मीन्स 15 16 17 वाले बच्चे, जहाँ 5 से कम वाले बच्चे भी बीच में एनरोल हो गए हैं, रिपीट हुए हैं, फेल हुए हैं, लेट एंट्री हुई है, वो बन के 101% बन गया। दैट इज वाई ओवर एज्ड और अंडर एज GER में शामिल है, पर नेट एनरोलमेंट रेशो में ये शामिल नहीं है। इट मीन्स नेट एनरोलमेंट रेशो 101, 100 से अधिक नहीं हो सकती, ये भी क्वेश्चन बनता है। क्यों? क्योंकि नेट एनरोलमेंट रेशो में सिर्फ एलिजिबल पॉपुलेशन कितनी है, 6 से 14 साल वाले कितने हुए हैं अगर जब एलिमेंट्री की कर रहे हो, तो वो शामिल होंगे, बाकी नहीं होंगे। इसको थोड़ा सा हिला ले, इधर हो जा भरावा, हो गया। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ GER एजुकेशन पॉलिसी एंड प्लानिंग?
इट इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये क्वालिटी की पक्का बात नहीं करता, क्वांटिटी की करता है, ये गलत हो गया। इट हेल्प्स डिटरमाइनिंग टीचर सैलरीज, कोई रेलिवेंस नहीं है, पुअर ऑप्शन। इट आइडेंटिफाइज द एरिया फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, थोड़ी सी ये ठीक भी बात है ना, लेकिन पूरी नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ वीक है। इट असेसेस द लेवल ऑफ असेस, दिस इज द बेस्ट वर्ड, एंड पार्टिसिपेशन इज द बेस्ट वर्ड टू डिफाइन GER, तो राइट आंसर डी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन एंट्रेंस टेस्ट में, BEd में, UGC में, इवन आपके TET में, CTET में, स्टेट टेट में, सभी में ये मतलब ये कंसेप्ट है, तो सभी में आप सॉल्व कर सकते हो। व्हाट एज ग्रुप इज टिपिकली कंसिडर्ड व्हेन कैलकुलेटर प्राइमरी GER, ये कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। आपको प्राइमरी जो एजुकेशन की एज ग्रुप पता होने चाहिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कारण चेंज हो चुका है, यहाँ पर चिल्ड्रन बिलो प्राइमरी में हमारे 6 से 14 साल जनरली आता है। अगर अपर प्राइमरी लोअर प्राइमरी करते हैं, लोअर प्राइमरी में 6 से 10 साल आ गया और अपर प्राइमरी में 11 से 14 साल आ गया, ठीक है। अगर इसको सारा एलिमेंट्री कह दो, वर्ड बर्त लो, तो ये हो गया 6 से 14 साल, तो ये 5 है, इसका मतलब गलत हो गया। चिल्ड्रन बिटवीन 6 से 14, ये है, हाँ ये राइट आंसर बन रहा है। चिल्ड्रन बिटवीन 15 से 18, ये बन रहा है कौन सा, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक सेकेंडरी, ओके सेकेंडरी में 4 क्लासेस आ गई हैं, तो एंटायर पॉपुलेशन का वैसे ही गलत हो गया। अब यहाँ राइट आंसर ये है, आगे चले हिंदी में भी साथ साथ में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हाउ इज द ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो एक्सप्रेस्ड, वेरी ईजी, ये बात बार बार हो चुकी है, परसेंटेज, रेशो, फ्रैक्शन, डेसिमल, तो हर बार लिखा होता है कि इस देश की 95% है, इंडिया की 101% है, गर्ल्स की एलिमेंट्री में है ना इतनी है, तो ये परसेंटेज साथ में आता है, राइट आंसर परसेंटेज यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। प्रतिशत हिंदी में, व्हाट डज ए हाई GER इंडिकेट, उच्च GER क्या दर्शाता है। हाई एजुकेशनल स्टैंडर्ड, वेल फंडेड एजुकेशन सिस्टम, वाइड सब्रे, देखा ये फिर वर्ड आ गया, अब तो आसान हो गया, असेस, लो ड्रॉप आउट, पर ये ना होता तो इसको आपको टिक लगाना पड़ना था, लेकिन असेस है, दैट इज वाई पहली इंडिकेशन असेस और पार्टिसिपेशन दो वर्ड्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं 8th क्वेश्चन, हाउ कैन GER बी डिसएग्रीगेटेड, इसको मैं वर्ड भी लिखा है कि अलग अलग किया कैसे जाता है, वो बात पीछे करके आए हैं कि हर कैटेगरी की, जेंडर की, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की है ना, तो देखी जा सकती है, सेपरेटेड की जा सकती है, क्योंकि ये देखने के लिए ये जेंडर गैप्स कितने हैं, सोशियो इकोनॉमिक गैप कितने हैं रिगार्डिंग एजुकेशन, जिसको डिस्पैरिटी, जेंडर डिस्पैरिटी इन एजुकेशन वो बोल देते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ होगा, सोशियो इकोनॉमिक भी, अर्बन भी है, जेंडर भी है, इजी क्वेश्चन रखा था ये। 9th क्वेश्चन है, हाउ इज द GER डिफरेंट फ्रॉम नेट एनरोलमेंट रेशियो, अब इसको केयरफुली थोड़ा सा देख लेना। GER में यही याद रखना है, GER में फार्मूले में ऊपर आना है ऑल एजेस, इतनी बात है, ऑल एजेस, ओके, तो GER इंक्लूड बोथ एनरोल्ड एंड एलिजिबल पॉपुलेशन, आ गई ऑल एजेस में दोनों आ गए, वाइल NER ओनली इंक्लूड एनरोल्ड पॉपुलेशन, तो ये ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें बोर्ड छोटा है, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। GER इंक्लूड ओनली, नहीं, GER ग्रॉस मतलब के ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, सभी बच्चे शामिल उस क्लास में किसी भी एज के हों शामिल कर लिए जाते हैं, तो ये गलत हो गया। GER मेजर द क्वालिटी, क्वालिटी तो मेजर करती नहीं है, यहीं इतने में ही गलत हो गया। ऑफ एजुकेशन NER मेजर द असेस, है ना, नहीं वो भी असेस ही करती है। GER कैलकुलेटेड फॉर द प्राइमरी, वाइल NER कैलकुलेट फॉर सेकेंडरी, ऐसा भी नहीं है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों लेवल के लिए GER कैलकुलेट होती है। 10th क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज कॉमनली एसोसिएटेड विद कलेक्टिंग डाटा एंड कैलकुलेटिंग GER, कौन सा संगठन आमतौर पर डाटा एकत्र करने और GER की गणना में जुड़ा हुआ है, तो राइट आंसर वेरी इजी, यूनेस्को, ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, IMF नहीं है,
यूएनडीपी नहीं है, इनकी फुल फॉर्म पढ़ लेना, पूछी जा सकती है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिसएग्रीगेटिंग, सेपरेट जो एनालिसिस करते हैं ना मेल और फीमेल का, एससी और जनरल का, जो डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक रिच और पुअर का, है ना, बाय जेंडर, लेकिन यहाँ पूछा गया है। तो वो मेयर द इम्पैक्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी इनिशिएटिव इन एजुकेशन, केयरफुली देखना है। मेयर द इम्पैक्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी इनिशिएटिव इन एजुकेशन, हाँ यार, क्योंकि जितने इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए होंगे वो जीईआर बढ़ेगी। पिछले साल कितनी थी, नई गवर्नमेंट आई, नए इनिशिएटिव या नई प्लानिंग की, नई जो है जो प्रोग्राम बनाया गया वो, उसके बाद जीईआर बढ़ रही है, इट मींस इम्पैक्ट पता चल रहा है। इस पर छोटा सा टिक लगाएंगे, टू डिटरमाइन द क्वालिटी, ये गलत हो गया, क्वालिटी पर ही एजुकेशन एंड मेल एंड फीमेल नो, टू आइडेंटिफाई द एरिया विद द हायर ड्रॉप आउट रेट अमंग मेल एंड फीमेल। देखिए हम फंस गए हैं, अब ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, तो अगर दो ठीक है आपने ऑल ऑफ दी अबव ही लगाना है, ये श्योर है कि दोनों ठीक हैं, तो यहाँ पर इसको टिक क्यों लगाया जा रहा है? ये डिफिकल्ट क्वेश्चन बन रहा है कि ये आपको फंसा सकता है यार, हर बार तो क्वालिटी क्वालिटी काट रहे हैं, मैंने भी काट दिया था ना अभी, ये सोचा यार ये चीज टिक हो रहा है, ऑल ऑफ दी अबव लगाऊंगा, पर क्यों लगाऊंगा वो बता रहा हूं, वो इसलिए कि अगर क्वालिटी अच्छी है तो एनरोलमेंट बढ़ेगी स्पेसिफिक ग्रुप की, स्पेसिफिक ग्रुप की। फॉर एग्जाम्पल जो रेजिडेंशियल स्कूल पहले भी बात करके आया हूँ, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो हैं, उनके आने के बाद जो एनरोलमेंट बढ़ी है, इट मींस के क्वालिटी जहाँ वो इंटरवेंशन थी वो उससे इम्पैक्ट हुआ है। तो ये जो स्लाइड था ये इसमें शामिल हो गया है। अगर इसमें से एक ही चूज करना है, बेस्ट चूज करना है, तो आप ये करोगे, ओके, क्योंकि ये पता चलता है किस एरिया में मेल ज्यादा है कम है, तो यहां पर आंसर ऑल ऑफ द अबव है। व्हाट डज इट मीन इफ जीईआर फॉर पर्टिकुलर लेवल ऑफ एजुकेशन इज हायर देन एनईआर, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये पिछले वाला जो वीडियो अगर नहीं देखोगे नहीं समझ आएगा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल टर्शरी लेवल पर हम हायर एजुकेशन की जीईआर निकाल रहे हैं, तो नीचे जो पॉपुलेशन डिफाइन की गई है 19 से 23 साल, इसके मान लीजिए 100 बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ बच्चे वो भी शामिल है जो 24 के हो गए लेकिन अब बीए कर रहे हैं, 25 के हो गए वो बीए कर रहे हैं, 26 के हो गए, 30 के हो गए वो बीए कर रहे हैं, इट मीन्स ओवर एज्ड, 19 से कम वाले भी हो सकते हैं, अंडर एज, तो वो मिला के 110 बच्चे बने हैं, तो ये जीईआर 100 से की 110% बन गए, यही बात की थी ना। तो जब एनईआर निकालते हैं तो यहां पर ये वाले बच्चे जो हैं शामिल नहीं किए जाएंगे, ये 18 साल वाले बच्चे जो अंडर एज कर लिए वो भी नहीं, सिर्फ जो एलिजिबल ग्रुप है, रेलेवेंट ग्रुप है, उसी एज के बच्चे कितने स्कूल या कॉलेज में गए हैं वो शामिल किए जाएंगे, तो वो एनईआर हो जाएगी। तो वापस चल के देखते हैं कि क्या क्वेश्चन था, देयर इज हाई रेट ऑफ ग्रेड रेपिटिशन, तो ये NER से नहीं पता चलेगा, क्योंकि ग्रेड रेपिटिशन पर थोड़ा सा शक कर सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन लगा लिया, देयर इज हाई रेट ऑफ अर्ली स्कूल एनरोलमेंट, देखिए जो अर्ली वाले बहुत कम होंगे, यहां पर भी क्वेश्चन मार्क, अर्ली वाले हो सकते हैं लेकिन उनकी क्वांटिटी लेट से कम होगी, अगर लेट वाला आया तो वो सबसे ज्यादा होंगे, देयर इज हाई रेट ऑफ लेट स्कूल एनरोलमेंट, ये वाला लेट वाले, क्योंकि इंडिया में या किसी कंट्री जो अभी प्रोग्रेस कर रही है एजुकेशन में, सभी को मतलब एजुकेशन नहीं मिल रही, तो लेट में कोई 30 साल का, 23 का नहीं, 30 साल का बीए कर रहा है, ऐसे केस हैं, 40 के 45 के कर रहे हैं, ये नहीं है कि 19 साल वाला है वो 15 साल में कर रहे हैं, कोई हो सकता है 18 साल वाला एक आध हो, दैट इज वाई इसकी क्वांटिटी कम होगी। अर्ली को हम अगर ऑल ऑफ द अबव है तो सभी सिलेक्ट कर लेंगे, तो अगर बेस्ट आंसर हमारे पास लेट वाला है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी इन द डाटा कैलकुलेशन, ये नहीं है, तो अगर ऑल ऑफ द अबव तीनों होते तो शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये नंबर वन है कि लेट वाले ज्यादा होते हैं। व्हाट डज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो नॉट टेक इनटू अकाउंट, अब क्या क्या ऑप्शन है, क्रिटिकल क्वेश्चन है,
लेकिन नॉट यहाँ आता है डायरेक्ट अटैक क्वालिटी पर होना ही होना है, लेकिन बाकी ऑप्शन देख लेनी है। असेस है इसमें नंबर ऑफ टीचर, नहीं असेस नहीं है। पार्टिसिपेशन है, नहीं है। तो ये असेस और पार्टिसिपेशन डायरेक्ट अटैक थे। अब क्वालिटी पक्का नहीं है क्योंकि डायरेक्टली क्वालिटी को नहीं करता, ये बात समझनी है। डायरेक्टली नहीं करता, इनडायरेक्टली हो सकता है। क्योंकि रेशो किस किस फैक्टर से बढ़ती है अब वो देखते हैं हम। बेस्ट आंसर जो नॉट वाला है वो यही होगा, द नंबर ऑफ टीचर। अगर नंबर ऑफ टीचर्स बढ़ते हैं, GER बढ़ेगी, हाँ ये रिलेशन है। तो ये नॉट वाला नहीं है, यस यस वाला है, यहाँ पर क्रॉस हो गया। एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बच्चियां हैं उनके लिए सेपरेट टॉयलेट वॉशरूम, तो ऐसी फैसिलिटी जो उनको टीन एज में चाहिए, उस एज में चाहिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वो दे रहा है ना रीडिंग और राइटिंग के लिए, टीचिंग और लर्निंग के लिए बेहतर है, स्मार्ट रूम है किसी स्कूल में, नेचुरली है कि GER वहाँ बढ़ेगी। तो ये नॉट में नहीं आ रहा। द सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट, बिल्कुल, क्योंकि जितना वीक सोशियो इकोनॉमिक है उतनी जो GER कम है, जितना ज़्यादा है उतनी GER ज़्यादा है। तो ये फैक्टर नहीं है, हम क्वालिटी को ही यहाँ पर टिक करेंगे, अदरवाइज ये क्रिटिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 14वां क्वेश्चन, वट इज़ दी GER कॉमनली यूज फॉर इन एजुकेशन प्लानिंग एंड पॉलिसी, किसके लिए यूज होता है? असेसिंग द टीचर स्टूडेंट रेशो, डिटरमाइनिंग स्कूल फंडिंग, फंडिंग बिल्कुल नहीं है, ये काट देते हैं कि फंडिंग के लिए नहीं है। ये देख फंडिंग एलोकेटेड है ना, प्राइमरी नहीं दिख रहा, डोमिनेटिंग नहीं है। इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम, देखिए ये है चीज़ें है ना, इफेक्ट करिकुलम है तो GER बढ़नी है। असेसिंग टीचर स्टूडेंट रेशो, हाँ ये भी बढ़नी है, ये भी बढ़ेगी, छोटा सा टिक लग रहा है। मोनिटरिंग द प्रोग्रेस टूवर्ड्स एजुकेशनल असेस, अब ये वर्ड ने बाकी सारे शब्दों को डिलीट कर दिया, फीका कर दिया। ये छोटा टिक था, ये क्वेश्चन मार्क था, बिल्कुल गलत था, लेकिन ये बेस्ट आंसर है। दूसरा है कि प्रोग्रेस के लिए ही तो यूनेस्को कंपैरिजन करता है, GER किस देश की ज़्यादा है, जिस देश की ज़्यादा है वहाँ का HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ज़्यादा है, जहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ज़्यादा है वहाँ की सरकार बेहतर काम कर रही है उस देश की प्रोग्रेस के लिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन इफेक्ट GER नेगेटिवली, हाई पॉवर्टी रेट इन द पॉपुलेशन, बिल्कुल गरीब बच्चे जो हैं GER डाउन करेंगे, बिल्कुल अभी तक ये बन रहा है। ओके, नेक्स्ट है इनसफिशिएंट एजुकेशनल फैसिलिटी, बिल्कुल बन रहा है, GER कम होगी। कल्चरल बैरियर, नहीं हमने लड़कियों को नहीं भेजना, टैबूज, ये भी बन रहा है। ऑल ऑफ द अबव है राइट आंसर, डी ऑल ऑफ द अबव। 16वां क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज लो GER टिपिकली इंडिकेट, हिंदी में है कम GER आमतौर पर क्या दर्शाता है? इनएडिक्वेट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी अभी बात करके आए हैं। हाई लेवल ऑफ ग्रेड रेपिटेशन, लिमिटेड असेस, अब ये असेस आ गया ना, देखिए ये ठीक है लेकिन ये सबसे बेटर है, ये बेस्ट है सॉरी। इनएडिक्वेट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये प्रभावित करेगा GER को। हाई लेवल ऑफ ग्रेड रेपिटेशन, ये थोड़ी सी रेपिटेशन इन्फ्लुएंस करती है GER, लेकिन असेस जो है कितनी ज़्यादा है, ये इनसफिशिएंट फंडिंग, ये नहीं। तो राइट आंसर सी को हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट है 16-17वां पॉइंट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग GER एट मल्टीपल लेवल ऑफ एजुकेशन। मल्टीपल लेवल ऑफ एजुकेशन पीछे बात करके आए हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, टू असेस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अक्रॉस ऑल लेवल, यस ये बात बन रही है। टू आइडेंटिफाई द गैप्स एनरोलमेंट रेट बिटवीन डिफरेंट लेवल्स, ये ज़्यादा बड़ी बात बन रही है। देखिए टू असेस द क्वालिटी ऑफ, ये क्वालिटी आ गया, यहाँ पर डाउट हो गया, ये गलत हो गया, एजुकेशन अक्रॉस लेवल नहीं, क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी है बेसिकली, क्योंकि एनरोलमेंट आ गया ना यहाँ पर। आइडेंटिफाई द गैप्स इन एनरोलमेंट, ये एनरोलमेंट GER है, आप पकड़ लो यहाँ से, एट डिफरेंट लेवल, इट मीन्स प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में डिफरेंस कितना है। जो 2020 पॉलिसी के बेस पर GER के कंसेप्ट या कैलकुलेशन है, GER की बात किस लेवल पर कितनी अचीव करनी है, ये वीडियो आएगा उसमें मैं कंपैरिजन दिखाऊंगा ग्राफ बना के,
वो वीडियो देख लेना, ये वही बात होगी, वो कंपैरिजन पर बना हुआ है। ये मिल गया देख लो, हाँ ये है डिफरेंट लेवल, ये जो है लोअर प्राइमरी है, यहाँ पर अपर प्राइमरी है, और ये है हायर का, सॉरी सेकेंडरी का। ये जो एज है 2017-18 की होगी, उस वीडियो में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो एक लेवल के दूसरे लेवल तीसरे लेवल का ये क्लियर हो रहा है, इट मींस यहाँ पर बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं, और ये डिफरेंस इसी की इसी पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। वापस चलते हैं, तो ये कंपैरिजन हो सकता है टू आइडेंटिफाई द गैप्स इन एनरोलमेंट रेट बिटवीन डिफरेंट लेवल्स, यही बात करके आए हैं। तो ये राइट आंसर होगा टू डिटरमाइन द नीड फॉर एडिशनल एजुकेशन, ये नहीं टू इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी। हाँ ये थोड़े थोड़े ठीक हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत क्लियर है, दैट इज वाई उसको चूज करते हैं बी को। व्हाट आर द थ्री लेवल्स ऑफ ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, इतनी बार रिपीट हो गए हैं मेरे ख्याल में बताना नहीं पड़ेगा। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, तो ये वाले नहीं बन रहे क्योंकि टर्शरी में हायर एजुकेशन है, किंडरगार्टन प्राइमरी एंड कॉलेज नहीं है। अगर होता कि एलिमेंट्री सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, वो ठीक था। एलिमेंट्री या प्राइमरी सेकेंडरी और हायर एजुकेशन, इसका ये मतलब बनेगा। द ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो फॉर प्राइमरी एजुकेशन इज मेजर एनरोलमेंट रेट, अच्छा ये बात मेरे ख्याल में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं रहा, बहुत बार रिपीट हो गई ये बात, क्योंकि आपने एज ही आइडेंटिफाई करनी है कौन सी बन रही है। प्राइमरी है तो प्राइमरी हमने 6 से 11, 14, ये लोअर की और ये अपर की, तो यहाँ पर 6 से 10 प्राइमरी है, इसको चूज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट चल रहा है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये ऑप्शन चेंज हो जाएंगी न्यू एजुकेशन के पॉलिसी के मुताबिक। अब इसमें सेकेंडरी का ढूंढना है, सेकेंडरी में 11 से 14 तक है। ठीक, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो भी, हाँ जो 10 से 14 बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ग्रोस एनरोलमेंट और टर्शरी की, टर्शरी की 18 से 23 साल है। ठीक, उसमें सीनियर सेकेंडरी हम शामिल नहीं कर रहे हैं, वो सीनियर सेकेंडरी के न्यू पॉलिसी के मुताबिक अब ये नई एनरोलमेंट रेशियो है, जो ऐश ने सर्वे किए हैं, इंडिया सर्वे ऑफ इन हायर एजुकेशन है ना, ऐश इंस्टीट्यूट हर साल सर्वे होता है, उसमें ये ईयर दिए गए हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कैलकुलेटिंग ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एट ईच लेवल ऑफ एजुकेशन, मेरे ख्याल में ये हो चुका है। टू हेल्प इन असेस आ गया, या क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल एट ईच लेवल, टू आइडेंटिफाई द एरिया वेयर द असेस ऑफ एजुकेशन नीड इम्प्रूवमेंट, इट गाइड्स द रिसोर्स एलोकेशन एंड पॉलिसी मेकिंग। ध्यान से देखना, ये वही क्वेश्चन है, ऑप्शन हो कोई और है। इट हेल्प्स इन असेस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट ईच लेवल, इनडायरेक्टली क्वालिटी पता चल रही है, ये कन्फ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर छोटा सा टिक लगाएंगे जहाँ क्वेश्चन मार्क डालेंगे। इट आइडेंटिफाइज द एरिया वेयर, क्योंकि ये ऑप्शन दिए गए हैं, एक चूज नहीं करना। इट आइडेंटिफाइज द एरिया वेयर असेस टू एजुकेशन नीड इम्प्रूवमेंट, फॉर एग्जाम्पल फीमेल की रूरल एरिया में कम है, तो वो पता चले जी यार यहाँ कम है, यहाँ कुछ किया जाए, ये पक्की बात है। इट गाइड्स द रिसोर्स एलोकेटेड एंड पॉलिसी मेकिंग, ये भी वही बात है, उसकी रेपिटेशन है। तो ये क्वेश्चन है, अब बी और सी इसमें है, अगर बी और सी हैं वो हो सकते हैं, लेकिन ये क्वालिटी इनडायरेक्ट में ए बी सी हम चूज करेंगे। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे अगर कंसेप्ट है असेस पर जोर देते हैं इसको चूज करेंगे, लेकिन मैं 4 टिक इसको दे रहा हूँ, तो ज़्यादा वेटेज ए बी सी की है। क्वालिटी इनडायरेक्ट पता चलती है, क्योंकि जिस देश में जी ई आर है उस देश की और उसके दैट इज ऑल। स्टेट वाइज नेक्स्ट होगा, स्टेट वाइज इंडिया के वो जो किस स्टेट में ज़्यादा जी ई आर है, एन ई आर है, किस में कम है, हाईएस्ट है, किसकी कितनी परसेंटेज है, तो उस पर लगभग 10-20 क्वेश्चन होंगे, वो लिंक नीचे दिया गया होगा। थैंक यू डॉक्टर तीर सिंह लर्ट वर्चुअल।